नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज, देखिए टू इंसुलेटेड है चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी, हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑफ ईच इज दिस मच कूलम, द रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि पहले तो उन्होंने स्फीयर का नाम दे दिया, अब स्फीयर से बच्चा सबसे पहले डायग्राम में ये बनाएगा, है ना, ये बनाएगा, ये स्फीयर्स ऐसे बनाएगा, लेकिन फिर उन्होंने ये बोला कि भाई इनकी जो रेडाई है ना वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। देखिए यही उन्होंने बोला हुआ है, द रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इतना ज्यादा है कि इनकी रेडाई को आप अप्रोक्सीमेटली निग्लेक्ट कर सकते हो। तो क्यों बोला, ताकि आप इनकी एक इसको पॉइंट चार्ज ले लो, ये इसको और इसको एज अ पॉइंट चार्ज मान लो, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों पॉइंट चार्ज है। ठीक है, जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें चीजें छोटी दिखने लग जाती है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स आपको इसको एस आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक स्फीयर पे कितना चार्ज है, 6.5 × 10⁻⁻⁷ कूलम, 6.5 × 10⁻⁷ चार्ज है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, द रेडाई ऑफ दिस, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, म्यूचुअल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, बोल भी दिया उन्होंने कि रिपल्शन लगाएंगे, वो नहीं बोलते तो भी हमें पता होता, क्योंकि ये और ये दोनों, अच्छा ये पॉइंट को मैं ए नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देती हूँ, तो ये चार्ज मैं क्यू ए बोल देती हूँ और इस चार्ज को मैं क्यू बी बोल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए फोर्स कैसे लगा रहा होगा, ये ए चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि देखिए ये इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सिमिलरली ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, और देखिए लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द सेंटर्स ही फोर्स लगेगा, कभी कोई ऐसे ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया काम तो हमारा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा रहे होंगे, अब देखिए दोनों ही बराबर होंगे तो हम ज्यादा मतलब हम उसमें नहीं जाते, ऑफकोर्स ये दोनों बराबर होंगे तो कितने होंगे वो पता करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ए, पर कितना, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो हम उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू इंटू 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर 50 × 10⁻²² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसको कैलकुलेट करना है, तो 9 × पहले मैं सारी पावर्स को कैलकुलेट कर लेती हूँ, 10⁻⁴ − 14 × 6.5 × 6.5 डिवाइडेड बाय 50 × 50 × 10⁻⁴, ये देखिए यहाँ से −4 आ जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा और इसकी भी थोड़ी सी हटा देते हैं, ये 0 0, तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 चाहिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये इससे गया, ये सारे जीरोस कट जाएंगे आपस में, है ना, और ऊपर क्या बचेगा, 10⁵ बचेगा, है ना, 14 में से 9 5 बचे, तो दैट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻¹⁴, 14 मतलब 5 × 65 डिवाइडेड बाय 25, देखिए 5 5 = 25, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 5 = 5 1 = 5 3 = 15, राइट, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 5 1 = 5 5 3 = 15, 13 × 13 = 169, राइट, सो 169 × 9 कितना हो जाएगा, × 10⁻⁵ ऑफकोर्स, तो हो जाएगा 9 9 = 81, 62 62, 9 1 = 9 और 15
इंटू 10^-5 अगर आप पॉइंट में लेंगे तो 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 मतलब हमारे पास लगभग 1.5 के आसपास का ओके तो हम 1, 2, 3 डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो 1.521 इंटू 10^-2 हो जाएगा. मैंने ये डेसिमल शिफ्टिंग का एक वीडियो बना के रखा है, प्लीज टू वॉच, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये क्योंकि फोर्स निकला है तो यूनिट आएगी न्यूटन. ठीक है, 1.5 इंटू 10^-2 न्यूटन. अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट हमें ये बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट. जो भी ऊपर का अमाउंट था उससे हर चार्ज को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. तब बताइए कि फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा. तो अब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, एफ डैश इक्वल्स टू के. देखिए जो पहले कितना था हमारे पास, हमने चार्ज कितना लिया था, पहले हमारे पास चार्ज था क्यू ए और क्यू बी. ठीक है, और डिस्टेंस जो थी इनके बीच की वो हमने ली थी आर. अब जो नया ट्रांसफर होगा वो इसी का ही डबल है, मतलब 2qa कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2qb. लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया, मतलब r बाई 2 कर दिया गया है ना. तो अब यहाँ पे 2qa 2qb डिवाइडेड बाई r बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 2 2 4 तो 4 आगे आ जाएगा. qa इंटू qb डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4. अब ये 4 अगर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16, ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब देखिए ये पूरा के पूरा हम लोगों ने पहले एफ नाम दिया था. देखिए यहाँ पे के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ. ठीक है, तो इसको हम ये लिख देते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एफ. मतलब पहले के कंपेरिजन में जो फोर्स है वो 16 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा. देखिए एफ डैश एफ में 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब एफ डैश आएगा. मतलब ये जो नया फोर्स है इसका फोर्स कितना लग रहा था, एफ लग रहा था इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया यहां पे अगर फोर्स आ चुका है तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो एफ डैश लगेगा और यहां पे जो फोर्स लगेगा वो एफ डैश लगेगा. तो अब एफ डैश पुराने फोर्स के कंपेरिजन में 16 टाइम्स ऑफ एफ हो गया. इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम लोगों ने एफ की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है 1.521 × 10^-2. ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.